अरे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आईआईटी में एडमिशन ले लिए तो आज आपको रूम दिखाता हूँ। तो देखो सिंपल सी बात है, जब आप आईआईटी में आओगे अहिल्या कैंपस के रूम में, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा रूम मिलेगा, हर एक का रूम ऐसा मिलेगा अहिल्या कैंपस में, जितने भी रूम है। नीला कैंपस का रूम थोड़ा सा अलग है। तो सीन क्या है बॉस, इसमें देखो, आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो चाहे अनग्रेजुएट हो, आप सबको एक रूम में दो पार्टनर मिलेंगे, ठीक है, रहने के लिए। तो आप देख सकते हो आपको दो बेड मिलेगा, ठीक है, और दो स्टडी टेबल मिलेगा विद एनी पॉइंट केबल, जो भी है आप लैपटॉप या कुछ भी लगा सकते हो उसके अंदर, जो भी आपको लगाना चीज है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ आपको ऐसा दो अलमीरा मिलेगा, ठीक है, दो अलमीरा, एक आपका और एक आपका रूम पार्टनर का। तो इसके अंदर देखो अभी आप अपने लैपटॉप, अपने नोट्स कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सीन इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा सफिशियंट स्पेस है इसके अंदर। और हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ आपको ये दो बेड मिलेंगे, मैट्रेस नहीं मिलेगा, पिलो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है इसके अंदर। सिर्फ स्टडी टेबल मिलेगा और सिर्फ वो चेयर मिलेगा, जो अच्छा खासा चेयर है, इसमें कंफर्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा खासा चेयर है, ठीक है। और बाकी पिलो हो गया और बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एडमिशन के टाइम पे ही बॉस आप लोग को सेलर आ जाते हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, हॉस्टल 3 के पास, हॉस्टल 1 के पास, तो आप आराम से खरीद सकते हो। और उसमें डिपेंड ऑन रेंज, 1,000, 2,000, 3,000 ऐसा कर करके आपको अलग अलग रेंज मिलेगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि वो महंगा है, तो भैया यहाँ पे होम सेंटर है, वहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे भी आपको महंगा ही मिलेगा। तो इससे अच्छा ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, या तो कांजीपुर मार्केट में चले जाना, जिसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख लो। तो ऐसा कर करके बस, या तो आप अमेजोन से ऑर्डर कर लो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। और जितनी भी सारी आपकी नीडी चीज़ें हैं आप ऑनलाइन खरीद करके ऑर्डर करते रहना। लेकिन आपको बेसिकली अगर आप आ रहे हो तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक अपना लैपटॉप, अपनी थोड़ी स्टडी मटेरियल जो भी है, अपने कपड़े, बस ये सब चीज़ लेके आओ, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है सब चीज़ के, ठीक है। और आपको अगर बाथरूम दिखाओ तो सबसे अच्छी बात क्या है अहिल्या कैंपस के रूम्स की, कि यहाँ पे जॉइंट बाथरूम है, इसका लाइट क्या पता कहाँ है, जो भी है ऐसा जॉइंट बाथरूम है अपने रूम के साथ ही, तो कोई दिक्कत नहीं होती बॉस। तो बाकी जो नीला कैंपस के जितने भी रूम्स है उसके क्या है, हर फ्लोर का अलग से बाथरूम है, जहाँ पे कॉमन बाथरूम है। तो नीला अहिल्या कैंपस की बाथरूम को अच्छी लगती है, और बस यही रूम टूर है। और आपको ऐसा दो हैंगर भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अपने कपड़े टांगो, जो टांगना टांगो। और हाँ, पहली बात तो ये, अगर आपको गलतफहमी होती रहेगी कि ये रूम मेरा है, तो भैया रूम मेरा नहीं है, मेरा रूम इतना अच्छा नहीं दिखता है, किसी और का रूम है, कि मेरा रूम इतना अच्छा नहीं दिखता इसलिए मैं यहाँ पर आकर शूट कर रहा हूँ। और इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रूम बना के रखा है, मेरे को ऐसा शर्म आ रही है अपने इनका रूम दिखाते हुए। और सबसे बड़ी बात ये इनके रूम की, क्योंकि देखो खिड़की जैसे ही खोलोगे ना भाई, जो हवा चलती है सामने से, अब तो मानसून थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो बादल अच्छे से, वो सामने जो दिख रहा है आपको हॉस्टल 4 है और ये हॉस्टल 3 की बिल्डिंग है, तो मस्त हवा आती है, इधर सो जाने का कोई दिक्कत नहीं है बॉस, हाँ आराम से सो जाने का, बहुत ठंडी हवा चलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप रूम खोलोगे, अपना जैसे दरवाज़ा खोलोगे, तो इसके सामने ही जो सीन दिखता है, वो सामने जो आपको दिख रहा है वेस्टर्न घाट है, और ऐसा कर करके बहुत ही परफेक्ट जगह पे ये रूम मिला हुआ है। और ये हमारा भी फिलहाल सेकंड फ्लोर पे हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, नीचे मेरा रूम है, जो मैं नहीं जाऊंगा, वरना उसका रूम आप देखोगे तो आप बोलोगे क्या ही रूम है। और इसके बाद तो इतनी बड़ी गैलरी है, ऐसे बहुत सारे रूम है यहाँ पे, यहाँ पे सामने जो गेट है हॉस्टल का, तो गेट यहाँ पे, और उसके बाद वही वेस्टर्न घाट, तो ये सब चीज़ है। तो भैया खाने पीने के सामान आपको लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लेके आना, बाकी आपको अहिल्या होम सेंटर से सारे सामान मिल जाएंगे खाने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको, फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट यूज़ करना है आपको, या फिर टूथब्रश, या फिर कोई भी चीज़ है, वो अहिल्या होम सेंटर में आपको आराम से मिल जाएगी। और खाने पीने का सामान भी पूरा मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आपको उस चीज़ का, तो आप लोग बिंदास आओ। ज़्यादा सामान लेकर आने का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि फिर सामान आपका भारी हो जाएगा, एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना पड़ेगा, ट्रेन में भी आपको लोडिंग के लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ की बारिश आया है, क्या मज़ा आता है यहाँ पे नेचर देखने के लिए। तो स्वेटर खरीद लेना, थोड़ी सी ठंडी लगेगी आपको बारिश के टाइम पे, बाकी 8 महीने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाला है, और बस ब्यूटीफुल कैंपस का मज़ा लेना। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।